जान रहती थी, आज उनमें एक अलग सी चमक थी। वो बार बार नजर चुराते हुए रावी को देख रहा था, लेकिन रावी तो किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। वहां बैठे लोग कब से वंश और रावी को ऑब्जर्व कर रहे थे। वायु ने धैर्या की तरफ देखा। धैर्या ने हां में सिर हिलाते हुए रावी से कहा, रावी तुम्हें वंश को हमारा घर दिखाना चाहिए, वो यहां बैठकर बोर हो रहा है। उन लोगों का विला बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, खास करके उस विला की सीलिंग जो कि एक ओशन की तरह दिखती थी। धैर्या की बात सुनकर रावी ने फाइनली अपना सिर उठाया और उसकी बेजान आंखों ने अपनी माँ की तरफ देखा। रावी की आंखों के उस लुक को देखकर धैर्या उदास हो गई, क्योंकि उसकी बेटी की आंखों में अभी भी उसके लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। रावी ने मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखा, वो मना करना चाहती थी लेकिन वीरा के एक लुक ने उसे चुप कर दिया। रावी उठी और उसने वंश को अपने साथ चलने को कहा। वंश भी चुपचाप रावी के साथ वहां से चला गया। वीरा उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी। उसने जोर से ऋषि का हाथ पकड़ा हुआ था। वीरा जानती थी कि वो लोग फिर से रावी की जिंदगी का फैसला कर रहे थे, लेकिन शायद यही सही था क्योंकि उन लोगों को जल्द से जल्द केतकी जी से रावी का पीछा छुड़ाना था। इधर दूसरी तरफ रावी चुपचाप कॉरिडोर में चलते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी और वंश उसके पीछे चल रहा था। जब वो लोग स्विमिंग पूल एरिया के पास पहुंचे तो रावी ने वंश को थोड़ी देर रुकने को कहा। वंश ने देखा कि वो स्विमिंग पूल कितना बड़ा था और उसमें पानी काफी साफ था। वंश आसपास की जगह को देख ही रहा था कि इतने में रावी वापस आ गई। रावी के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ सैंडविच रखे थे। रावी ने वंश को सैंडविच ऑफर करते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? वंश ने देखा उस प्लेट में चीज सैंडविच रखे थे। वंश घर से आज कुछ खाकर नहीं निकला था। रावी से मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जिस कारण वो रात भर सो नहीं पाया था, जिस वजह से उसकी आंख सुबह लगी थी और लेट उठने की वजह से वो जल्दी तैयार भी नहीं हो पाया था और उन्हें विला पहुंचने में भी देरी हो गई थी। वंश ने जल्दी से एक सैंडविच उठाया और उसे खाने लगा। रावी भी सैंडविच खाने लगी। वो दोनों स्विमिंग पूल के पास वाले सिटिंग एरिया में बैठ गए। रावी ने कहा, तो क्या मैं एक विलन हूं? ये सुनकर वंश का हाथ रुक गया। उसने दोबारा रावी की तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, तुम विलन नहीं हो, तुम एक लिटिल डेविल हो। ये कहते हुए वंश के होठों की मुस्कान और बड़ी हो गई। रावी ने कहा, तुम जानते हो आज हम सब क्यों मिल रहे हैं? वंश ने बिना किसी झिझक के कहा, क्योंकि हमारी फैमिलीज हमारा रिश्ता कराना चाहती है और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रावी ने एक गहरी सांस ली। उसकी बहन ने कार में ही उसे बता दिया था कि आज उसे कोई लड़का देखने आ रहा है। ये सुनकर रावी कार से बाहर कूदने वाली थी कि तभी वीरा ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि अगर उसने इस बार कोई भी गलत फैसला लिया तो वीरा खुद उसे सबसे कहीं दूर भेज देगी और कभी किसी से नहीं मिलने देगी। रावी ने घर आकर किसी से बात नहीं की थी, हालांकि वो तैयार होकर चुपचाप लिविंग रूम में बैठ गई थी और उस इंसान का इंतजार कर रही थी जो उससे शादी करना चाहता था। रावी ने सोच लिया था कि वो उस इंसान के सिर पर गन पॉइंट करके उसे डरा देगी और उसे ये बोलने पर मजबूर कर देगी कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वंश और रुद्राक्ष जी को देखने के बाद उसके सारे प्लान्स खराब हो गए थे। जब वंश ने देखा कि रावी कहीं खोई हुई है तो उसने रावी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? रावी होश में आई और उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए रावी ने एक और सैंडविच उठा लिया। वंश ने कहा, क्या तुम हमेशा अपने साथ ऐसे हथियार लेकर घूमती हो? रावी ने वंश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वंश ने आगे कहा, वैसे तुमने उसके दिल के बहुत करीब वार किया था, अगर वो लकी नहीं होता तो अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। ये सुनकर रावी का हाथ एक पल के लिए कांप उठा। वो अपने सपने में भी विहान की मौत के बारे में नहीं सोच सकती थी क्योंकि उसने विहान से बहुत प्यार किया था। रावी ने कहा, पर मैंने सुना है कि वो अब ठीक है। वंश ने कहा, हाँ वो ठीक है और अपने होम टाउन जा चुका है, शायद अब वो दोबारा देहरादून ना आए क्योंकि उसकी पोस्टिंग उसके होम टाउन में हो चुकी है। रावी विहान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, क्या तुम सबसे ये कह सकते हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? ये सुनकर वंश के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं जानता था तुम मुझसे यही बात करना चाहती थी। रावी ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करती थी, मैं नहीं जानती, लेकिन उस इंसान ने मेरा दिल तोड़ दिया है और अब शायद मैं कभी किसी और से प्यार ना कर पाऊँ। मुझसे शादी करके तुम्हें वो खुशी नहीं मिलेगी जिसकी एक्सपेक्टेशन तुम मुझसे कर रहे हो। शायद मैं तुम्हें कभी अपना भी ना पाऊँ क्योंकि मैं अपने आप को पहले ही किसी और को दे चुकी हूँ। ये कहते हुए रावी का गला थोड़ा भर आया था। उसने विहान को अपना सब कुछ दिया था, अपना दिल, आत्मा, शरीर, लेकिन विहान सिर्फ उसके दिल, आत्मा और शरीर के साथ खेल रहा था, जिस कारण रावी अब खुद से नफरत करने लगी थी। वंश ने रावी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आई डोंट केयर कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था या तुम अभी कैसा फील करती हो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। रावी, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मुझे अभी अपनाओ, हमारे पास पूरी लाइफ है और धीरे धीरे तुम मुझे अपना ही लोगी। कई सारी अरेंज मैरिजेस ऐसे ही होती हैं जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। रावी, जब मैं 5 साल का था तब मेरी माँ की डेथ हो गई थी और मुझे एक नैनी ने पाला था, लेकिन वो नैनी बहुत बुरी थी। वो मुझे मारती थी और मुझे कहा करती थी कि मेरे कारण मेरी माँ मर गई, जिस कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था। काफ़ी समय बाद जब पापा को इस बारे में पता चला तो पापा ने उस नैनी को हमारे घर से निकाल दिया था और खुद ही मेरी देखभाल करने लगे थे। वो मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाते थे, लेकिन जैसे जैसे पापा के काम का प्रेशर बढ़ने लगा उन्हें मुझे संभालने में परेशानी होने लगी। आखिर में मैंने खुद ही उनसे कहा कि मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता हूँ,
पहले तो पापा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन लास्ट में मेरी जिद की आगे उन्होंने हार मान ली थी। मैं अपनी हायर स्टडीज तक बाहर ही पढ़ाई करता रहा और हॉस्टल में रहा। उसके बाद मैंने मिलिट्री कैंप ज्वाइन कर लिया। मेरा ड्रीम पायलट बनने का था, इसीलिए मैंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। मैं जानता हूँ रावी, किसी को भी भुलाना इतना आसान नहीं होता, और मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम अपने पहले प्यार को भुला दो। मैं बस कोशिश करूँगा कि तुम्हारे उस प्यार के थोड़े से हिस्से को बांट सकूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? रावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वंश की बातों का क्या जवाब दे। वंश ने उसके सामने ऐसे फैक्ट रखे थे जिससे वो पीछे नहीं हट सकती थी। वैसे भी रावी ने उम्मीद नहीं की थी कि वंश इस तरह उससे अपना पास्ट शेयर करेगा। रावी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी भी यही कहूंगी वंश, तुम्हें इस रिश्ते से कुछ नहीं मिलेगा। वंश ने खड़े होते हुए कहा, मुझे बहुत कुछ मिलेगा। रावी कन्फ्यूज्ड हो गई। उसने कहा, क्या? वंश ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम मिलोगी। तुम्हारे साथ मुझे तुम्हारा बचपना, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी इंटेलिजेंस मिलेगी। मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा शैतान हो और मुझे ये शैतान चाहिए। ये कहते हुए वंश ने अनजाने में रावी की नाक खींच ली। रावी ने अपनी नाक को छुआ, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। क्या विहान और सुरभि की सगाई हो जाएगी? क्या रावी वंश की बात मान जाएगी? क्या ये रावी और विहान की लव स्टोरी का दी एंड है, या किस्मत इनके लिए कुछ नया लिख रही है? एक हफ्ते बाद शाम के समय दो अलग अलग शहरों के घरों में खुशी का माहौल था। नैनीताल, केतकी जी आज बहुत खुश थी और पार्टी में लोगों से मिल रही थी। ये पार्टी पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जैसे लोगों से भरी हुई थी। दूसरे शहरों से भी कई सारे लोग उस पार्टी को अटेंड करने आए थे और मीडिया रिपोर्टर्स भी वहां मौजूद थे। रुशाली गुस्से में कोने में खड़ी थी और पार्टी के उस माहौल को देखकर उनके दिल की जलन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ उनका बेटा कहीं खो चुका था और दूसरी तरफ केतकी जी अपने बेटे की सगाई का जश्न मना रही थी। ये सोचते हुए रुशाली का चेहरा गुस्से से लाल होते जा रहा था। उनके साथ खड़े बॉडीगार्ड्स ने कहा, मैम अगर आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे ही रखेंगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप खुश नहीं हैं। ये सुनकर रुशाली ने खुद को नॉर्मल किया और लोगों से बात करने लगी। कोई भी रुशाली को देखकर ये नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। रेखा जी और पलाश जी भी काफी खुश थे, उनकी बेटी की फाइनली अग्रवाल खानदान से रिश्ता जुड़ रहा है। बाहर लोग उनसे हमेशा कहते थे कि ये रिश्ता एक दिन टूट जाएगा, लेकिन आज वही लोग उन्हें जलन भरी नजरों से देख रहे थे। पलाश जी के परिवार के कई सारे लोग वहां मौजूद थे और वो भी पलाश जी से काफी जल रहे थे। केतकी जी अपनी एक रिश्तेदार के साथ खड़ी थी। जिस औरत के साथ केतकी जी खड़ी थी उसने हंसते हुए कहा, केतकी जी आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी सगाई रख दी। हमें तो लगा था कि आपका बेटा कभी शादी ही नहीं करेगा। वैसे एक पल के लिए मैंने सोचा था कि शायद विहान अपनी दुल्हन अपने साथ ही लेकर आएगा और अचानक से आपको बताएगा कि उसने शादी कर ली है। केतकी जी जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, उस औरत की आखिरी बात सुनकर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, हमारा बेटा कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमने हमारे बेटे को इस तरह की परवरिश नहीं दी है कि वो किसी भी लड़की के दिल के साथ खेले। अगर उसे किसी से प्यार हुआ होता तो वो हमें बता देता, लेकिन हमारे खानदान में प्यार की कोई जगह नहीं है। और इस बात को विहान अच्छे से जानता है कि हमारे यहाँ रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए जाते हैं, और विहान का रिश्ता बहुत कम उम्र में ही सुरभि के साथ तय हो चुका था। इसीलिए इस सच को नहीं बदला जा सकता है और ना ही इस रिश्ते को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए विहान कभी किसी और लड़की को नहीं चुन सकता है। ये देखकर कि केतकी जी नाराज हो गई है, वो औरत मुस्कुराई और कुछ बहाना बनाकर वहां से चली गई। पार्टी में हर कोई जानता था कि केतकी जी का टेंपर कितना हाई है और उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद हॉल के एंट्रेंस पर दो लोग दिखाई दिए। लड़का जिसने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना था अपने साथ एक लड़की को लेकर आ रहा था। उस लड़की ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। वो लहंगा इतना सुंदर था कि कोई भी उस लहंगे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। हालांकि वो लड़की भी खूबसूरत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो लहंगा उस लड़की के लिए नहीं बना था। जब केतकी जी ने देखा कि विहान और सुरभि आ चुके हैं तो उन्होंने तुरंत मेहमानों से एक्सक्यूज मी कहा और उनकी तरफ चली गई। केतकी जी ने सुरभि की नजर उतारते हुए कहा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहते हुए उनकी नजर अपने बेटे पर गई, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। ये देखकर केतकी जी ने एक गहरी सांस ली। शायद उनका बेटा इस जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराने वाला था। थोड़ी देर बाद विहान और सुरभि स्टेज पर बैठे हुए थे और होस्ट सबको बता रहा था कि आज उन दोनों की सगाई होने वाली है और ये कितना बड़ा मौका है। साथ ही होस्ट ये भी बता रहा था कि ये अग्रवाल खानदान और सुरभि के खानदान के लिए कितने बड़े जश्न की बात है। होस्ट की बात खत्म होने के बाद एक इंसान रिंग्स लेकर स्टेज पर आया। सुरभि ने जल्दी से रिंग बॉक्स अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन विहान ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। केतकी जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, विहान अंगूठी उठाओ। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही विहान अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने भी अंगूठी उठा ली। लेकिन विहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगूठी बहुत ज्यादा भारी है और उस अंगूठी को उठाते हुए विहान का दिल भी उतना ही भारी हो रहा था। पंडित जी ने विहान और सुरभि को अंगूठी पहनाने को कहा। सुरभि ने जल्दी ही विहान को अंगूठी पहना दी, लेकिन विहान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, ना ही उसने सुरभि को अंगूठी पहनाई। ये देखकर सुरभि थोड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। केतकी जी ने विहान का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से दबाते हुए कहा,
विहान, क्या तुम मेरी वार्निंग भूल गए हो? विहान ने एक लंबी सांस ली और सुरभि को अंगूठी पहना दी। जब विहान ने सुरभि को अंगूठी पहनाई तब उसने ध्यान से सुरभि को देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए सुरभि पर रुक गई। भले ही वो कब से सुरभि के साथ था लेकिन उसने एक बार भी सुरभि की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। लेकिन अब वो सुरभि से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। विहान की नजर सुरभि के लहंगे पर थी। बिल्कुल इसी तरह का लहंगा विहान ने रावी को दिया था जब उन दोनों की शादी हुई थी, और ऐसा ही लहंगा पहनकर रावी उस बेड पर बैठी थी जहां उनकी फर्स्ट नाइट हुई थी। उस लहंगे पर हुआ हर एक काम बिल्कुल वैसा ही था। विहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वैसा लहंगा दुनिया में दूसरा भी हो सकता है, लेकिन विहान इस बात को नहीं जानता था कि ये वही लहंगा था जो उसने रावी को दिया था। असल में केतकी जी ने विहान के देहरादून वाले विला से कुछ सामान मंगवा लिया था और उनके नौकर ये लहंगा भी अपने साथ ले आए थे। केतकी जी ने जब उस लहंगे को देखा था तो उन्हें यही लगा था कि शायद विहान ने वो लहंगा सुरभि के लिए लिया है। केतकी जी ने पर्सनली ये लहंगा सुरभि को दिया था और उसे बताया था कि इस लहंगे को विहान ने उसके लिए चुना है। ये सुनकर सुरभि इतना खुश हो गई थी कि उसने बिना सोचे समझे उसी लहंगे को अपनी सगाई के दिन पहनने का डिसाइड कर लिया था। सुरभि ने जब देखा कि विहान की नज़र उसी पर टिकी हुई है तो वो थोड़ा शर्मा गई। सुरभि को लग रहा था कि विहान उसे इस लहंगे में देखकर खुश हो गया है। सुरभि ने धीरे से कहा, विहान क्या तुम्हें ये लहंगा पसंद आया? थैंक यू मुझे ये गिफ्ट करने के लिए। इस बात को सुनते ही विहान की नज़र सुरभि के चेहरे पर गई। विहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? सुरभि ने कहा, ये लहंगा तुम मेरे लिए लाए थे ना, मुझे मम्मी जी ने यही कहा था कि जब तुम बाहर रहने गए थे तब तुमने मेरे लिए ये खरीदा था। विहान तुमने कितना सुंदर लहंगा लिया है। ये कहते हुए सुरभि अपने लहंगे को देख रही थी। वो लहंगा सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उस पर रियल डायमंड का काम किया गया था और वो किसी बहुत बड़े डिजाइनर के जरिए बनवाया गया था। विहान ने सच में रावी के लिए इस लहंगे को चुनने में काफी मेहनत की थी। विहान नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वो चाहता था कि रावी जब उसके सामने दुल्हन बनकर आए तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखे। और सच में जब रावी ने इस लहंगे को पहना था तो विहान अपनी नजरें रावी से नहीं हटा पाया था। ये सुनकर कि इस समय सुरभि ने उसकी रावी का लहंगा पहना था, विहान के गुस्से का पारा चढ़ गया। विहान ने चिल्लाते हुए कहा, अभी की अभी से चेंज करके आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को पहनने की? विहान की तेज आवाज ने पार्टी के माहौल को खराब कर दिया था। सब हैरान होकर स्टेज की तरफ देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। केतकी जी जो किसी पॉलिटिशियन से बात कर रही थी, उन्होंने माफी मांगी और अपने बेटे की तरफ बढ़ी। विहान की तेज आवाज को सुनकर सुरभि डर कर दो कदम पीछे हट गई। सुरभि ने कहा, विहान तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ये लहंगा तुमने मेरे लिए ही लिया था ना? विहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये किसी के लिए था। ये कहते हुए विहान ने बिना सोचे समझे सुरभि का दुपट्टा खींच लिया। सुरभि ने नहीं सोचा था कि विहान ऐसा कुछ करेगा, इसीलिए उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। सुरभि की आंखें आंसुओं से भरी थी। आदित्य जल्दी से सुरभि के पास आया। उसने विहान पर चिल्लाते हुए कहा, विहान तुम मेरी बहन के साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकते हो? उसकी अभी अभी तुमसे सगाई हुई है। विहान ने कहा, हाँ उसकी मुझसे सगाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे सामानों को मेरी इजाजत के बिना छू सकती है। सुरभि अभी के अभी ये कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हें इन कपड़ों में नहीं देखना चाहता। सुरभि विहान के चेहरे के खतरनाक भाव देख सकती थी और वो जानती थी कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गई तो विहान उस पर काफी गुस्सा करेगा। सुरभि मुड़ी और भागते हुए वहां से चली गई। सुरभि के वहां से जाते ही पूरा हॉल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद सब लोग इस बारे में बातें करने लगे कि विहान एक समझदार और काबिल इंसान था जिसकी पूरी इंडियन आर्मी फोर्स में तारीफ की जाती थी, और वो इतना अजीब कैसे बिहेव करने लगा है। केतकी जी ने विहान के पास खड़े होते हुए कहा, आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? विहान ने अपनी माँ को देखकर हाथों की मुठ्ठियां बनाई और धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहा, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से मेरा सामान यहाँ लाने की? आपको किसने इजाजत दी मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की? और आपने सोच भी कैसे लिया कि आप वो लहंगा सुरभि को दे सकती हैं? वो लहंगा सुरभि के लिए नहीं था, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। बेहतर होगा कि आप मेरे किसी भी सामान को हाथ ना लगाएं और ना ही दोबारा मेरे उस घर में जाने की कोशिश करें, वरना माँ मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। भूलिए मत, मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अगर आप क्रूअल हैं तो मैं आपसे ज्यादा क्रूअल बनके आपको दिखा सकता हूँ। एक पल के लिए केतकी जी विहान की आवाज़ सुनकर डर गई। विहान ने कभी उनसे इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन आज विहान की आवाज़ में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। केतकी जी को समझ नहीं आ रहा था कि उस लहंगे में ऐसी क्या खास बात थी। फिर विहान मुड़ा और उस पार्टी से चला गया। सगाई का माहौल जो बहुत खुशियों से भरा था अचानक से शांत हो चुका था। रेखा जी और पलाश जी भी केतकी जी से सवाल कर रहे थे कि आखिर विहान उनकी बेटी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन इस बात का जवाब केतकी जी के पास नहीं था। थोड़ी देर बाद विहान के कमरे पर किसी ने दस्तक दी। विहान ने उस इंसान को अंदर आने को कहा। दरवाजे के पास सुरभि खड़ी थी। सुरभि ने कपड़े बदल लिए थे और उसके हाथ में वो भारी भरकम लहंगा था। सुरभि अंदर आई और उसने वो लहंगा बेड के एक साइड में रखते हुए कहा, विहान ये रहा तुम्हारा सामान, अगर मुझे पता होता कि ये लहंगा तुम्हारे लिए इतना कीमती है तो मैं गलती से भी इसे हाथ नहीं लगाती। ये कहते हुए सुरभि की नज़र उस सुंदर लहंगे पर थी। सुरभि जानना चाहती थी कि आखिर विहान ने वो लहंगा किसके लिए लिया था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विहान से सवाल कर सके, इसीलिए वो मुड़ी और वहां से जाने लगी।
इससे पहले कि सुरभि कमरे से जा पाती, सुरभि को विहान की धीमी आवाज सुनाई दी। विहान ने कहा, सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं तुम पर गुस्सा ना करूं। अब तुम यहां से जा सकती हो। ये कहते हुए विहान ने वो लहंगा अपने हाथों में उठा लिया। सुरभि ने मुड़कर विहान की तरफ देखा और वो ये देखकर हैरान हो गई कि विहान मुस्कुरा रहा था। विहान सच में उस लहंगे को अपने हाथ में पकड़कर मुस्कुरा रहा था। फिर सुरभि मुड़ी और वहां से चली गई। उसके लिए इस बात को संभालना थोड़ा मुश्किल था। सुरभि ने विहान को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो बचपन से ही उसे जानती थी। वो लड़का बचपन से ही नहीं मुस्कुराता था, लेकिन आज विहान की मुस्कान देखकर सुरभि का दिल डर से कांप उठा था। वो सोच रही थी कि आखिर उस लहंगे में ऐसा क्या था जिसे देखकर विहान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये सोचते हुए सुरभि का दिल अंदर तक कांप उठा था। क्या रावी को विहान की सगाई के बारे में पता चल पाएगा? क्या विहान के अजीब बिहेवियर से सुरभि को शक हो जाएगा? क्या अब विहान को ये एहसास हो रहा है कि वो रावी से प्यार करता है? नैनीताल। विहान अभी भी उस लहंगे को अपने हाथ में लेकर बैठा था। उस लहंगे को देखते हुए विहान ने उसकी और रावी की शादी याद आ रही थी। साथ ही विहान को वो रात भी याद आ रही थी जो उन लोगों ने साथ में बिताई थी। उन हसीन पलों को याद करते हुए विहान को नहीं पता चला कि वो कब मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी विहान को वो कड़वाहट भरी यादें भी याद आने लगी जब उसने रावी का दिल तोड़ा था, जब उसे पता चला था कि रावी एक धोखेबाज थी, जब विहान के दिल पर रावी ने घाव दिया था। और वो सब याद करते हुए विहान की पकड़ उस लहंगे पर कस गई और अनजाने में ही एक आंसू की बूंद उसकी आंख से बह गई। विहान ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें एक ब्यूटीफुल रिंग थी। वो रिंग सिंपल थी पर बहुत ज्यादा यूनिक थी। विहान उस अंगूठी को निकालना चाहता था, लेकिन उसके हाथ उस अंगूठी तक पहुंच ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगूठी उससे कई कोसों दूर हो और वो उसे छू भी नहीं पा रहा हो। विहान उठा और उसने अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकाला। फिर वो वापस बेड पर बैठ गया। विहान का एक हाथ उस लहंगे पर था और दूसरे हाथ से उसने वो बॉक्स खोल दिया था। उस बॉक्स में एक छोटी सी चेन थी जो कि ब्लैक मोती की थी। ये वही मंगलसूत्र था जिसे विहान ने रावी के गले से खींच लिया था। अचानक से खींचे जाने पर वो मंगलसूत्र टूट चुका था, पर विहान ने उसे जोड़ दिया था। उसे उस मंगलसूत्र को जोड़ने में काफ़ी समय लगा था, पर फिर भी उसने उसे जोड़ ही दिया था। विहान नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन वो उस मंगलसूत्र को वापस जुड़ा हुआ देखना चाहता था। शायद विहान रावी और अपने रिश्ते को भी इसी तरह जुड़ा हुआ देखना चाहता था, लेकिन इस बात को विहान अपने दिल में मान नहीं पा रहा था। इधर देहरादून में काफ़ी रात हो चुकी थी और सड़कों पर कम गाड़ियां चल रही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की को दौड़ते हुए देखा जा सकता था। उस लड़की ने आसमानी रंग का लहंगा पहना था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिस तरह उसके लहंगे का रंग नीला था, वैसे ही उसकी आंखें भी नीली थी, लेकिन काफ़ी देर से रोने के कारण वो थोड़ी लाल हो चुकी थी। वो लड़की तब तक दौड़ती रही जब तक उसके पैरों में दर्द नहीं होने लगा और वो अपने घुटनों के बल नहीं गिर गई। जब वो अपने घुटनों के बल गिरी तो उसने अपने दोनों हाथ पेट पर रखे और जोर से चिल्लाने लगी। उसने खुद से कहा, क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तुम इस दुनिया में नहीं आ सकते। नहीं विहान, मैं तुम्हारी किसी भी निशानी को अपने पास नहीं रख सकती। ये कहते हुए रावी ने कसके अपने पेट को पकड़ लिया और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। रावी सड़क के कोने में घुटने मुड़ कर बैठी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रावी याद करने लगी कि आज शाम को क्या हुआ था। फ्लैशबैक। आज रावी और वंश की सगाई थी जिस कारण घर में सभी लोग खुश थे। पार्टी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, पर वहां जितने भी लोग आए थे वो सभी काफी अमीर और अच्छे परिवार के थे। रावी बहुत खूबसूरती से तैयार हुई थी और वंश भी व्हाइट कलर के 3-पीस सूट में हैंडसम लग रहा था। रावी ने सोच लिया था कि वो विहान को बुला देगी और वंश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके लिए इतना बुरा होगा। जब उन दोनों की सगाई होने वाली थी तभी एक गार्ड ने धैर्या को कोई एनवलप दिया था। जब धैर्या ने एनवलप खोलकर उसमें लिखी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। धैर्या ने बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और उसने रावी के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। वंश, जो अभी रावी को अंगूठी पहनाने ही वाला था, उसके हाथों से वो अंगूठी गिर गई। सब हैरान होकर धैर्या को देख रहे थे। धैर्या ने चिल्लाते हुए कहा, रावी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रावी ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो भी हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उस पर हाथ क्यों उठाया था। रावी ने कहा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? धैर्या ने रावी के कंधों को पकड़ा और कहा, रावी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? हमें बताइए, क्या आपका और उस लड़के का रिश्ता इतना गहरा था? वायु जल्दी से आगे आया। उसने देख लिया था कि धैर्या किसी कागज को पढ़ रही थी, इसीलिए वायु ने भी धैर्या के हाथों से वो कागज छीना और उसे पढ़ने लगा, जिसके बाद वो कागज वायु के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो कागज जमीन पर गिरा, किसी मेहमान ने उसे उठा लिया और पढ़ने लगा। उस मेहमान ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या रावी प्रेग्नेंट है? और अगर हाँ तो वो वंश से शादी कैसे कर सकती है? मैंने नहीं सोचा था कि रावी राजवंश का किसी के साथ अफेयर है। उस औरत की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि हॉल में मौजूद लगभग आधे से ज्यादा लोगों ने यह सुन लिया था। राजवंश परिवार बहुत ज्यादा हैरान था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रावी इतनी बड़ी गलती करेगी। आहाना जल्दी से आगे बढ़ी और उसने वो कागज उस औरत के हाथ से छीन लिया। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट थी
इसीलिए वो उसे अच्छे से पढ़ सकती थी। सब कुछ पढ़ लेने के बाद उसे भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। सिद्धार्थ ने कहा, क्या बात है? अहाना ने कहा, रिपोर्ट पॉजिटिव है। रावी ने जब ये सुना कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दो कदम पीछे हटी। रावी ने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ा। वहां मौजूद सारे मेहमान उसके बारे में बात कर रहे थे और घर वाले तो इतने ज्यादा हैरान थे कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। पर धैर्या बहुत इमोशनल हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ वही हो जो उसके साथ हुआ था। धैर्या ने रावी को पकड़ते हुए कहा, रावी हमें बता दीजिए वो इंसान कहाँ है, हम उससे बात करेंगे, हम उसे समझाएंगे कि वो आपको और आपके बच्चे को अपना ले। वीरा धैर्या के पास आई। उसने कहा, मम्मा इसमें रावी की कोई गलती नहीं है। धैर्या ने वीरा का हाथ झटकते हुए कहा, इसमें रावी की ही गलती है। क्या वो नहीं जानती थी उनकी मर्यादा क्या है? क्या वो नहीं जानती कि वो एक लड़की है और उन्हें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए? वीरा, हमने आप लोगों को जिंदगी जीने की इजाजत दी थी, हमने ये नहीं कहा था कि आप अपनी जिंदगी से खेल सकती हैं। आप बताइए अब हम इस बच्चे के साथ क्या करेंगे जिसके पिता का भी कोई पता नहीं है। ये सुनकर वीरा चुप हो गई और अपनी बहन की तरफ देखने लगी जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसने कहा, रावी मेरी बात सुनो। रावी ने देखा कि उसकी बहन बहुत ज्यादा सीरियस है। वीरा ने बिना सोचे समझे कहा, हम रावी का अबॉर्शन करवा देंगे जिसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीरा की बात खत्म होते ही रावी ने अपने दोनों हाथों से पेट को कवर कर लिया जैसे वो उस बेबी को प्रोटेक्ट कर रही हो। रावी ने कहा, आप मुझसे ये बात कैसे कह सकती हैं? वीरा दी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये कहते हुए रावी एक कदम पीछे हट गई। वंश ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वंश के पीछे रुद्राक्ष जी खड़े थे। अगर उन्होंने वंश को नहीं संभाला होता तो शायद वो अब तक नीचे गिर जाता। वंश रावी को बहुत पसंद करता था और इस एक हफ्ते में वो रावी से कई बार मिला था जिस कारण उसका अफेक्शन रावी के लिए काफी बढ़ चुका था। और अब ये जानकर कि उसकी होने वाली मंगेतर किसी दूसरे इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रुद्राक्ष जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने वायु को घूरते हुए कहा, अगर आपकी बेटी पहले ही किसी और के साथ इन्वॉल्व थी तो आपको हमें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। पहले आपको रावी से पूछना चाहिए था कि उसकी मर्जी क्या है। क्या आप समाज के सामने हमारी इज्जत उछालना चाहते थे? और अगर हाँ तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक कर दिया है। लेकिन मिस्टर वायु राजवंश, मैं इस बेइज्जती को नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए रुद्राक्ष जी ने वंश का हाथ पकड़ा और वहां से चले गए। बाहर जाते हुए भी वंश पीछे मुड़कर रावी को देख रहा था। रावी ने भी एक नजर वंश की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह गए। रावी को दुख हो रहा था कि उसने एक और इंसान का दिल तोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद पार्टी हॉल से सब लोगों को भेज दिया गया और अब उस जगह पर सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। धैर्या ने सारे बच्चों को भी उनके कमरों में भेज दिया था। वो नहीं चाहती थी कि बड़ों के मामले में बच्चे कोई दखल दे या इसका उन पर कोई गलत असर पड़े। धैर्या ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, रावी हमें उस इंसान का नाम जानना है। वो कौन है? वो कहाँ रहता है? आप उससे कब मिली थी और आप लोगों ने कितना समय साथ बिताया था? हमें सब बताइए। एक माँ होने के नाते उसे ये सब पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। रावी से तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, वो जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन गई हो। रावी के इस तरह के रिएक्शन को देखकर धैर्या का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। धैर्या ने रावी के गाल पर एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, रावी हमें सच बताओ। धैर्या इस समय काफी गुस्से में थी। वायु धैर्या को रोकना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ और बेटी के बीच दखलअंदाजी कैसे करे। वीरा से ये सब और नहीं देखा गया। वीरा धैर्या के सामने खड़ी हुई। उसने कहा, बस कीजिए आप, इस तरह रावी को परेशान क्यों कर रही हैं? धैर्या ने कहा, सच में हम रावी को परेशान कर रहे हैं? अगर हम इसे परेशान कर रहे हैं तो इसने क्या किया है? इन्होंने किसी पर हमला किया? इन्होंने किसी के साथ अफेयर किया? इनके कारण आपकी गैंग खत्म हो गई? क्या ये बच्ची है? नहीं वीरा, रावी को जानना होगा कि वो बड़ी हो चुकी है और इस बार जो गलती इन्होंने की है वो छोटी नहीं है। वीरा ने कहा, मैं मानती हूँ मम्मा कि रावी ने कोई छोटी गलती नहीं की है, लेकिन हमारे पास रास्ता है। हम रावी का अबॉर्शन करवा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम सब ये भूल जाएंगे जैसे ये कभी हुआ ही ना हो। वीरा को ये सबसे सही ऑप्शन लग रहा था। वो सब सोच सकते थे कि कभी कोई बच्चा था ही नहीं या रावी कभी किसी लड़के से मिली ही नहीं थी। धैर्या ने कहा, वीरा आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? ये गलती रावी की है, इसमें उस मासूम बच्चे की क्या गलती है? क्या वो इस तरह एक बच्चे को मार डालेगी? क्या आपके अंदर दिल नहीं है? हमें बताइए, क्या आप अपने बच्चे को मार सकती हैं? ये सुनकर वीरा चुप हो गई। ये सच था कि अगर वो भी कभी प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने बच्चे को जान से भी ज्यादा प्यार करेगी। आखिर कौन ही माँ अपने बच्चे को मारना चाहेगी? लेकिन ये केस थोड़ा अलग था। रावी के पेट में जो बच्चा था वो उनके दुश्मन का था, एक ऐसे इंसान का जिसने रावी का इस्तेमाल किया था, और उस बच्चे को देखते हुए रावी को सिर्फ अपना अतीत याद आएगा। इसीलिए वीरा चाहती थी कि रावी इस बच्चे को ना रखे। वो सब आपस में बातें कर रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने नोटिस नहीं किया कि रावी वहां नहीं थी। जब तक उन लोगों ने ये बात नोटिस की, रावी वहां से जा चुकी थी। वीरा ने अपने गार्ड्स को रावी को ढूंढने के लिए भेज दिया था और वो खुद भी उसे ढूंढ रही थी। प्रेजेंट, रावी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों विहान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरी जिंदगी से चले गए, लेकिन तुमने मेरे पास कुछ ऐसा छोड़ दिया जो मुझे कभी नहीं भूलने देगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। विहान, अब तुम बहुत खुश होंगे क्योंकि तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। असल मायनों में मैं अब बर्बाद हुई हूँ। पहले तुमने मेरा दिल तोड़ा था,
लेकिन अब तुमने मेरी आत्मा तोड़ दी। मैं कैसे एक मासूम की जान ले सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती, पर क्या मैं इसे जन्म दे सकती हूँ? अगर मैं इसे जन्म दूंगी तो क्या मैं कभी इससे इसके पिता का नाम बता पाऊंगी? क्या मैं मेरे बच्चे को यह कह पाऊंगी कि तुम उसके पिता थे? एक ऐसा पिता जिसने उसकी माँ के साथ धोखा किया और जिस धोखे के कारण वो इस दुनिया में आया। क्या रावी सच में अबॉर्शन करवा देगी? क्या वो विहान को सच बता देगी? और क्या राजवंश परिवार रावी को ढूंढ पाएगा? या कोई नई मुसीबत कर रही है रावी का इंतजार? नैनीताल। विहान अचानक से नींद से जाग गया, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। विहान के दिल की धड़कन काफी तेज थी और उसकी आंखों में आंसू थे। विहान ने अपनी नींद भरी आवाज में कहा, क्या तुम ठीक हो? विहान ने सपने में देखा था कि रावी किसी अंधेरी जगह में भाग रही है और लगातार रो रही है, और खास करके वो उसका नाम पुकार रही है। जब रावी ने एक दर्द भरी आवाज के साथ उसके नाम को पुकारा तो विहान की नींद खुल गई। विहान ने आसपास देखा, वो अभी भी अपने कमरे में था। उसके बेड के एक साइड में वो लहंगा और उस लहंगे के ऊपर मंगलसूत्र रखा था जो उसने रावी को दिया था। विहान ने जोर से उन दोनों चीजों को गले लगाया। इस समय वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जिससे उसका सब कुछ छिन चुका हो। विहान ने खुद से कहा, मैं क्यों इतना ज्यादा उदास हो रहा हूँ? मुझे तो रावी से नफरत करनी चाहिए, वो मेरी नफरत के ही लायक है। ये कहते हुए विहान ने अपनी करवट बदली। वो दोबारा उस सामान को नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो उसे रावी की याद दिला रहे थे। हालांकि वो उन्हें फेंकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सिर्फ अपना मुंह फेर लिया। अगली सुबह विहान अभी अभी जॉगिंग से लौटा था। उसके हाथ में एक छोटा सा टावल था जिससे वो अपना पसीना पोंछ रहा था। विहान की नज़र लिविंग रूम में गई जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे थे। सेंटर के वाइट कलर के सोफे पर उसकी माँ बैठी। वो जानता था कि उसकी माँ उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए उन्हें कई काम करने होते हैं। हालांकि वो मंत्रालय और बाकी जगह पर बहुत कम जाती थी, लेकिन फिर भी उनकी अपीयरेंस वहाँ बहुत मायने रखती थी क्योंकि उनके फैसले के खिलाफ आज तक कोई नहीं गया था। जनता का कहना था कि आज तक उन्होंने इतनी अच्छी चीफ मिनिस्टर नहीं देखी थी जो उनकी हर समस्या को दूर करती थी। इस बात के कारण विहान को अपनी माँ पर प्राउड ज़रूर होता था, लेकिन जब भी उसे ये याद आता था कि उसकी माँ चीफ मिनिस्टर कैसे बनी थी तो उसका दिल कड़वाहट से भर जाता था। अपने पिता के बारे में सोचते हुए विहान का अच्छा मूड पूरी तरह खराब हो गया। वो मुड़ा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसकी टक्कर किसी ऐसे इंसान से हो गई जिसकी विहान ने वहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। अजय विहान को घूर रहा था। अभी तक केतकी जी और बाकी किसी का ध्यान दोनों पर नहीं गया था। अजय ने विहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गार्डन की तरफ ले गया। अजय ने विहान से कहा, मुझे बता तूने रावी के साथ क्या किया है? अजय की आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। विहान ने बिना किसी भाव के कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, विहान क्या तू जानता है तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अभी भी तू कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया है? विहान ने भी उसी तरह चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैंने वो सब किया क्योंकि उसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की थी। ये कहकर विहान वहां से जाने लगा। अजय ने विहान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अच्छा तो कहाँ है तेरा वो भाई जिसके लिए तूने ये सब किया था? क्या वो तेरे साथ है? क्या वो सच में तेरा भाई है? क्या तू जानता है वो हकीकत में कौन है? इन सारे सवालों को सुनते हुए विहान की आंखें छोटी हो गई। विहान ने कहा, अजय तेरे कहने का मतलब क्या है? अजय ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कमाल है ना विहान, तूने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जिसके लिए तू ये सब कर रहा था वो तेरा भाई ही नहीं था। विहान को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने अजय के दोनों कंधे पकड़े और कहा, अजय मुझे सच बता, तुझे क्या पता चला है? अजय ने विहान के हाथ झटके और कहा, ये सब कुछ प्लान था, अनाया का प्लान। ये कहते हुए अजय ने अनाया और हेमंत की हसलियत से लेकर उसके राजवंश खानदान के बदले तक सारी बातें विहान को बता दी। विहान थोड़ा